नमस्ते, मैं डॉक्टर जय आर अनम एक मुंबई स्थित ब्रेस्ट कैंसर एंड ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी सर्जन हूँ। आज मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर उदित महेश्वरी है। ही इज अ पार एक्सीलेंस मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वंस अगेन बेस्ड इन मुंबई। हाय उदित, वेलकम टू द चैनल। Hi, Dr. Jay. Thank you for the introduction. So, I am Dr. Udeep Maheshwari. I am a medical oncologist practicing in Bombay, in Ghatkopar and South Bombay area. And I practice closely with Dr. Jay. And it's good to have these chatting sessions with him. Right. So, let's take the episode ahead. So, Dr. Udeep Maheshwari is a medical oncologist. बट मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर में ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जहाँ हम कह सकते हैं कि कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब हमारी जरूरत नहीं है, ये कहना चाहते हो आप, है ना? नहीं सर, आपकी ज़रूरत है, बट वो कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पेशेंट लकी है कि उनको कीमोथेरेपी की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन एक्चुअली। कैसा है कि हर एक पेशेंट को कीमो देना इज नॉट नेसेसरी, राइट? अब पहले ऐसा था कि ब्रेस्ट निकालो, कीमो दो और घर भेजो, बट अब ऐसे कई टेस्ट आ गए हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लो रिस्क पेशेंट है। मतलब इसको हम कीमो ना दें और खाली हॉर्मोन की गोलियाँ दे दें और रेडिएशन कम्प्लीट कर लें, तो ये पेशेंट को कीमो के बगैर भी आउटकम्स उतने ही अच्छे हैं जितने। तो ऐसे कुछ सब ग्रुप्स हैं जो मैं आपको एक वेरी लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ऐसे ट्यूमर्स जो कि अराउंड आप समझ लो कि 5 सेंटीमीटर्स के से छोटे ट्यूमर्स हैं, ब्रेस्ट के बाहर कहीं नहीं गए, मतलब यहीं पे खाली छाती में ही हैं और कहीं दूसरे लिम्फ नोड्स या कहीं और फैले नहीं हैं, और लो ग्रेड ट्यूमर्स हैं जिनमें जिसको हम Ki-67 से वो करते हैं, मात्रा देख के उसके हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। तो लो ग्रेड ट्यूमर्स, लो स्टेज ट्यूमर्स जो कि पहले तरीके ऑपरेशन हो चुका है, ये ट्यूमर्स यूजुअली एक सब टाइप होता है जिसमें हम एक कीमोथेरेपी को अवॉइड करने का देख सकते हैं। एक कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ इस कि यंगर पेशेंट्स हैं जिनमें हम कीमो अवॉइड करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि यंगर पेशेंट्स में अगर रिलैप्स होता है, वापस आती है ये बीमारी, तो उसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। और प्लस ये भी देखा गया कि यंगर पेशेंट्स में थोड़े हाई ग्रेड ट्यूमर्स थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं और थोड़ी सी हायर रिस्क होती है उनमें। तो ऐसे केसेस में हम काफ़ी और एडवांस टेस्टिंग जो है आजकल अवेलेबल है, जैसे मतलब आपसे कई बार हम डिस्कस भी करते हैं फ़ोन पे कि कैन असिस्ट और ऑन्कोटेक DX करके मॉलिक्यूलर सिग्नेचर जीन प्रोफाइलिंग है, जिसके हिसाब से हम एक एक जीन को बॉडी के ट्यूमर के जो जीन है उसको स्टडी करके उसमें क्या रिस्क आता है हर जीन का, उसमें तो एक रिस्क स्कोर, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क स्कोर कैलकुलेट किया जाता है और एग्जैक्टली बताया जाता है कि ये लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है कि हाई रिस्क है। तो लो रिस्क और इंटरमीडिएट रिस्क में हम अवॉइड कर सकते हैं कीमोथेरेपी, और हायर रिस्क वाले पेशेंट्स में एक छोटी मात्रा की कीमोथेरेपी जो कि प्री डिफाइंड होती है वो दी जा सकती है। राइट। फिर एक दूसरा सवाल जो मुझे बहुत टाइम मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या सर हम कीमोथेरेपी के साथ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या कोई और नुस्खा हम क्या शुरू रख सकते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा? सो पहले जब मैंने स्टार्ट की थी प्रैक्टिस 10 साल पहले, तब मेरे हिसाब से हम बहुत ही कॉन्ट्रेरियन थे कि भाई आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक नहीं चालू करना चाहिए साथ में। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब हमें रियलाइज हो गया है कि काफ़ी पेशेंट्स काफ़ी अटैच होते हैं अपने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ, राइट? तो और बहुत बार ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प कर सकती है। मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली यही सलाह देता हूँ कि आपके अगर कोई ट्रस्टेड आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक फिजिशियन है जो हैवी मेटल्स या कोई ऐसे तरीके के आयुर्वेदिक ड्रग्स नहीं यूज करते और आपको खाली नेचुरल ड्रग्स देते हैं, तो साथ में आप ले सकते हैं। बट कोई कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स जहाँ होती हैं, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए किसी दवाई के, तो वहाँ पे मैं मना करता हूँ। बट यूजुअली जब Stage 4 की बीमारी है, हमारा एम है कि हम बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइफ को खींचना चाहते हैं, वहाँ पे हम साइमल्टेनियसली एक आयुर्वेदिक और होम्योपैथी को अलाउ कर देते हैं, ताकि हम एक तो है कि फर्स्ट ए सेंटिमेंट्स जो पेशेंट और पेशेंट के फैमिलीज के हैं उनको रिस्पेक्ट करें, और साइमल्टेनियसली छोटे मोटे जो साइड इफेक्ट्स कभी कभी कम हो जाते हैं वो चीज़ को भी हम उसका भी फायदा ले रहे हैं। राइट। तो फिर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर कीमोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल बहुत ही बड़ा रहता है।
एंड सर लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो ब्रेस्ट कैंसर की फील्ड में, जो कीमोथेरेपी या कुछ और कुछ वंडर ड्रग्स है, कि लेटेस्ट कुछ है जो आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, लास्ट दो साल में है ना, इसके पहले बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, मगर लास्ट दो साल में इतनी नई दवाइयाँ आ गई हैं ब्रेस्ट कैंसर में, आपको काउंट करके बताऊँ तो कम से कम 8 से 10 नई टारगेटेड ट्रीटमेंट्स, इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट्स जो ब्रेस्ट कैंसर में आ गई है, जो कि बहुत सालों से ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी नई दवाइयाँ आना एक लिमिटेशन था कि नहीं आ रही थी, जिससे हमारा सर्वाइवल इम्प्रूव हो वैसी दवाइयाँ बहुत कम आ रही थी, ओरल हार्मोन की गोलियाँ आ रही थी, बट आजकल नई दवाइयाँ जैसे ट्रास्टुजुमैब है, ट्रास्टुजुमैब डेरोक्सिटिकैन है, जैसे टुकाटिनिब है ना, ऐसी बहुत सारी, टू नेम अ फ्यू, दीज आर मेडिसिन, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन नई आ गई हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर का लैंडस्केप को ही चेंज कर देगी। हो सकता है इवेंचुअली हम कीमोथेरेपी को ही टाटा बाय बाय कह देंगे, खाली टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पे आगे चल के हम ब्रेस्ट कैंसर को स्पेसिफिकली ट्रीट करें, जैसे हम टेलर के पास जाके एक स्पेसिफिक सूट या स्पेसिफिक शर्ट अपने साइज के हिसाब से सिलवाते हैं, वैसे ही एक टेलर मेड थेरेपी हम पेशेंट्स को दे पाएं, जी उनका ट्यूमर को स्टडी करके कि उनमें क्या म्यूटेशन है, कौन सी दवाई कितनी मात्रा में काम करेगी, वो सबको असेस करके स्पेसिफिकली दें और उनको हम बताएं कि 9 out of 10 पेशेंट्स में ये काम कर जाएगी, तो कितना ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। आई थिंक कैंसर इज हेडिंग देयर, कैंसर ट्रीटमेंट रादर इज हेडिंग देयर, एंड दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो अ वेरी गुड डिकेड इन ऑन्कोलॉजी एंड कैंसर केयर। So that is a excellent news for all of my viewers and all those whose near and dear ones have got breast cancer. अभी medicine में बहुत उम्मीद बची है और improvement का scope भी बहुत ज़्यादा है. So once again I would like to thank Dr. Udip Maheshwari for being over here. आपको कुछ भी comment करना है, आपको कुछ भी doubts है तो नीचे दिए गए comment section में आप लिख सकते हैं, मैं या मेरी team आपको संपर्क ज़रूर करेंगे. Thanks a lot once again, Dr. Udip, for being over here. And I'm sure we'll see much more of you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.